हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी तो अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं और मैं अभी जा रही हूँ अपने दूसरे एक कान नाक की रिंग पहनने, क्योंकि देखिए ये वाली मेरी कील का नंग है वो गिर गया है कहीं, तो इसको हटाएंगे और दूसरी पहनेंगे। और आद्या है वो सो गई है इस टाइम नहीं, 1 घंटा हो गया इसको सोते हुए, तो अभी जगी नहीं है, थोड़ी देर बाद इसे जगाएंगे। अपना टेडी बियर लेकर सोई है ये, देखा। चलिए निकाल लेती हूँ पहले मैं ये, फिर उसके बाद शुरू करती हूँ। जो ये नोज रिंग मैं दिखा रही हूँ, इसमें मतलब 3 नोज रिंग है मेरे पास, 3 नोज रिंग है और 1 नोज पिन है। तो जो ये नोज रिंग जो पहली दिखाई थी वो, और एक ये है, और एक में लटकन लटकी हुई है छोटी सी वो है, और ये सादा वाली है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं सादा वाली ही पहनने वाली थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी नोज पिन का रिंग वो नंग है वो निकल गया है, ठीक वैसे ही नोज रिंग का भी नंग निकल चुका है। तो अब क्या करूं, अब एक मेरे पास और है जिसमें बहुत सारे नंग है, वो मैं कभी कभी पहनती है एज ए ओकेजन, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी भारी सी और थोड़ी सी फंस जाए कहीं ऐसी लगती है, तो इस वजह से वो डेली में नहीं पहनती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि देखो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, दोनों के खराब हो गए, अब मुझे नहीं लेने जाने पड़ेगी इनको बदल कर। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और तो बस फाइनली वही पहन लूंगी मैं, देखते हैं कितने देर तक पहनती हूँ मैं। वैसे वो लगती है थोड़ी सी अजीब सी मुझे, लेकिन लगती सुंदर है ना, तो पहन के दिखाती हूँ। तो मैंने ये वाली पहन ली है, और ये वाली ना मुझे थोड़ा सा आलस आलस सा लगता है इसमें, ऐसा लगता है बस बाबा गिर रही तो ऐसे कर लो ऐसे कर लो है। और अंधेरा हो गया है, देख लीजिए शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मतलब ऐसे ऐसे करने में लगा था। वो वाली जो थी, एक मेरी जो मैंने नोज पिन पहनी हुई थी उसका भी निकल गया नंग, और इसका भी नंग, और जो एक एक नंग वाली बाली थी उसका भी नंग निकल गया। अब मुझे पता ही नहीं था दोनों रखी है, दोनों खराब हो गई है, देखते हैं दूसरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैंने ये वाली पहन ली थी, बहुत सारे नंग होते हैं, लेकिन ये मैं कब कुछ होता है तो पहनती हूँ, क्या कहीं जाना होता तब पहनती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना ऐसा लगता है कि भारी सी लगती थोड़ी सी, इसलिए। वैसे आप लोग बताना कैसी लग रही है। और अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, इस वजह से थोड़ी रोशनी कम लग रही होगी। और कोई आने वाला है? कौन आने वाला है? तो मेरी मम्मी आने वाली है, मेरे पापा आने वाले, और मेरी फैमिली आने वाली है मायके से, किसी काम से आई भी थी यहाँ पर, और देर के लिए हमसे मिलने के लिए, और मिल के चली जाएंगी, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। आद्या तो बहुत सुबह से ही वेट कर रही, जब से मम्मी घर से बैठी हुई है आने के लिए तब से वेट कर रही है। और मेरे देखे तो सारे कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े है ना, आज हमने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे। और चलो हम भी वेट कर रहे हैं, आ जाए मेरी मम्मी।
तो मैंने नाश्ता लगा दिया है। ये देखिए नाश्ता मेरी बहन लेकर जा रही है। मम्मी आ चुकी है, मेरी दोनों बहनें आ चुकी हैं, मेरे पापा, मेरा भाई, सब लोग आ चुका है। मैं चाय लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा भाई है, मेरे सामने पापा जी बैठे हैं, पापा मेरे पापा बैठे हैं, और ये मेरी बहन बैठी है, छोटी वाली, सबसे छोटी बहन है अंकिता। आपने लोगों ने मेरे मायके वाले जो व्लॉग्स हैं उसमें मेरी फैमिली को तो ऑलरेडी देखा ही होगा, तो क्या इंट्रोडक्शन कराना। और ये ड्राइवर अंकल बैठे हुए हैं, और ये है मेरी बहन सबसे छोटी वाली। और काफी टाइम हो गया, अभी दिवाली में जब घर गई थी भाई दूज पे तब मिली थी, उसके बाद से अब मिल रही हूँ। और मतलब मेरा प्रेगनेंसी का 5th मंथ चल रहा है, अचानक से लोगों का आना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सभी लोग चाहती हैं, सभी मतलब गुमिन चाहती हैं इस टाइम पे कभी मायके वाले भी एकदम से आ जाएं। और जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है इस टाइम पे सफ़र करना, लेकिन आज मम्मी भी आ गई, मम्मी बैठी है मेरी, और यहाँ पे देखिए बातें हो रही है, पापा लेट गए हैं थोड़ा सा, और किसी काम से आए थे वो भी काम बस हो गया है, उसके बाद हमारे यहाँ आ गए हैं कुछ देर के लिए, फिर अब वापस जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फी फोटो सेशन भी चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग फोटो सेशन ना करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फोटो सेशन भी कर लिया है। मम्मी हाय बोल रही है आप लोगों को, और मेरी और मम्मी की शक्ल मिलती है ना, जरूर बताना। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं मेरी और मम्मी की शक्ल बहुत मैच करती है, बिल्कुल। और ये मेरी बहन, मैं और राखी है ना, वो कैमरे में बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों, उसको बहुत शर्म आती है। तो वो पीछे से झांक तो रही थी, देख रही थी, और मैंने ये लगा दिया था हार्ड पर, फिर भी थोड़ा सा दिख गई, तो वो थोड़ा सा शर्माती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मम्मी तो थोड़ी देर रुकी हैं, लेकिन रुकी तो काफ़ी देर थी, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया और फिर फोटो वगैरह क्लिक की। ऐसा है ना कि मैंने टाइम एक्सपेंड किया, वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा बस क्लिप एक्ट की मतलब क्लिक की है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अदरवाइज मैंने मम्मी के साथ, बहनों के साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी बातें की। और ये देखिए वो जा रही हैं, कार से आई थी सभी लोग, और टाइम भी काफ़ी हो गया, करीब 9 बजने वाले हैं, और वो जा रही हैं। आद्या को बहुत मतलब दुख हो रहा है कि नानी जा रही है। आद्या बहुत प्यार करती है अपनी नानी माँ को, बहुत ज़्यादा। अगर उससे मैं ये बोल दूँ कि आने वाली है नानी लेकिन आएंगी नहीं अब, तो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। तो उसे अपनी नानी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, पता नहीं कि उसे नानी, मामा, मौसियों से और नाना से बहुत ही प्यार है, बहुत ज़्यादा। कान्हा जी को दिखा रही हो क्या? दिखा रही हो कान्हा जी को? ये पैरट कौन लाया? ये पैरट मौसी लाया आपके लिए, दिखाना। छोटे हैं। ओ नानी माँ आपके लिए पैरेट लाई है, देखे देखे। अरे वाह, ये तो बड़े क्यूट है। आप खुश हो? हाँ। अच्छा, और ये देखो काला जी को नई ड्रेस पहना दी हमने, है ना, और गणेश जी को भी उड़ा दिया, माता रानी को भी उड़ा दिया, ठीक है, सर्दी नहीं लगे। और सर्दी नहीं लगेगी इनको, चले चलो का? चलो आओ, चले अंदर चले, अबे थोड़ा को। चली गई नानी, गई कहाँ गई नानी? यूट्यूब देखती हूँ, एक एक बनाने वाला कटोरी है, छोटी सी कटोरी, बड़ी सी कटोरी और फूड। अच्छा, तुमने मौसी से कहा है खिलौने लेने के लिए? आ, अच्छा, इतने सारे बोर्ड ओ, आपको अच्छा लगा? चलो ये स्लीपर पहनो, अपनी चप्पल पहनो पहले, और क्या सर्दी है ना, ये घर की चप्पल पहन के रहा करो, ओके चलो। हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं और आद्या भी उठ गई है सोकर, और रात में आद्या की हुई थी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा, ये और उसको जुकाम हुआ था बहुत तेज, फीवर भी आया था, तो रात में काफ़ी परेशान कर रही थी, जैसे कि मतलब रात में काफ़ी परेशान कर रही थी और रोई जा रही थी। रात में करीब 2 या 3 बजे तक हमने इसको गोद में लेके बैठा, कुछ देर मैं, कुछ देर मेरे हस्बैंड, तो नींद नहीं पूरी हुई, आंखों से भी लग रहा होगा ना, ऐसे ऐसे ही लग रही है आंखें अजीब सी, तो नींद भी नहीं पूरी हुई है, और मैंने नोज़ भी
रात को निकाल दी थी अपनी, लग रही थी मुझे, मैंने बताया ना, वो मुझे इतना कहाँ लगा निकाल दी? ये नोज रिंग, क्योंकि मुझे इतनी वो लगती है लगाया मुझे वो वाली जो, करो ओके ओके, तो फंसती है कंबल में, इस वजह से मैंने हटा दी है। देखते हैं दूसरी लाऊंगी नई तब पहनूंगी, अभी तो अभी दिन में तो वही पहन लूंगी। तो अभी ठीक है, स्कूल नहीं गई है, नहीं भेजा मैंने, तबीयत तो ठीक नहीं है इसकी, थोड़ा वो ठीक है, लेकिन अभी मैंने नहीं उठाया इसे, निकाला नहीं है और नहीं भेज रही हूँ। तो इसका जो एग्ज़ाम था आज, आज भी इसका एग्ज़ाम है, तो मैंने फ़ोन किया मैम को उनके स्कूल में और पूछा कि एग्ज़ाम है, आना ज़रूरी है, तो मैं लेकर आऊँ, फिर कुछ देर बैठ जाऊँगी और लेकर चली जाऊँगी एग्ज़ाम दिलाकर। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसका ये वाला एग्ज़ाम, मतलब ये वाला जो पेपर है, मंडे को दिला दूंगी, दो पेपर एक साथ करा दूंगी। तो हमने कहा ठीक है, फिर नहीं गई, खुश है थोड़ा बहुत। आपको अरे बहुत चिड़िया परेशान बनती किया, हूँ। नानी चली गई थी, आपने मुझे परेशान किया। नानी की याद आई थी? अभी मेरे लिए वो लाएगी, क्या बनाने वाला कटोरी, बनाने वाला लाएगी? फूड और बनाने वाला फूड। फूड लाएगी? हाँ वो अच्छा यूट्यूब देखते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा और आज वो आपने अब पापा से भी बाय नहीं किया? नहीं किया? बता दो सबको। आज मेरे लिए वो ऐसे ऐसे क्लिक करो, फिर ऐसे वो कटोरी का केक हो जाएगा। अच्छा, आप सबको हेलो तो बोल दो, गुड हेलो मारे, मॉर्निंग नहीं बोला? आप अच्छी कैसे हो, तबीयत कैसी है, बता दो, क्या हो गया था रात को तुमको? क्या हुआ था बताओ? ओ रात को क्या हुआ था, रात को ओ रात को क्या हो गया था, बीमार बीमार हो गए थे, क्या हुआ था आपको? बीमार बीमार तो हुए थे, क्या हुआ, क्या था ये तो बताओ। फीवर आया था? जुक्कू हुआ था, जुक्कू। आप कैसे रो रहे थे रात को, कैसे रो रहे थे? उसको पता है रात में बहुत तेज नींद लग रही थी, इसको टाइम ही था 2 2:30 3 बजे का, तो उसे नींद तो आएगी, तो नींद मतलब सो भी नहीं पा रही थी, नाक नाक की वजह से, जुकाम की वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए बड़ा बड़ा तरस, मुझे भी बड़ा सा वो तरस आ रहा था कि अब मेरी बेटी रोए जा रही है, इस चक्कर में मुझे ऐसी नींद आंखों में चढ़ी हुई थी, फिर भी मैं इसको गोद में लिए बैठी थी और ऐसे उंघा रही थी, बस चुप करा रही थी। तो कुछ ऐसी हालत हो गई थी, पता नहीं क्यों, जब मम्मी मेरी गई थी उसके बाद से मुझे एकदम से ठंड लगने लगी, मुझे भी बहुत तेज ठंड लगी, और मैं खाना बना रही थी, लेकिन खाना बनाते ही टाइम मुझे इतनी तेज सर्दी लगी कि मैं आकर मेरी दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल और रोटी बनाने का खाने का मन था, तो वही बढ़ा बनाई थी, तो दाल वह चढ़ा के आए थे और आटा लगा कर आए थे, इतना काम किया था और प्याज भी कट कर दिया था, बस तब तो मुझे ठंड सी लगी, तो मैं आके लेट गई, मैं मैंने मुझे कम्बल डाल दिया, रजाई डाल दी, सब कुछ उड़ा दिया, और मैं एक झपकी ले ली। इतने में थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने पूरा खाना फिर बनाया, मुझे दिया, आद्या को खिलाया, खुद खाया। कल कुछ नहीं किया था, हो गई थी अचानक से मेरी पूरी तबीयत खराब, हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं क्यों, बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। पापा की तबीयत खराब, पापा के लिए, पापा ठीक थे, लेकिन रात रात में जगे हैं, इस वजह से उनको भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सारा, लेकिन स्कूल गए। आप भी ठीक नहीं हो, मैं भी ठीक नहीं हुई हूँ। हम दोनों लोग नहीं ठीक हुए। मेरा तो नहीं कुछ नहीं, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है इस टाइम बहुत, यार सुई लगा दो, नहीं नहीं सुई नहीं लगाएंगे, कल लगाया था आपके पुराने घर पे, बहुत पुराने लग घर रही पे। थी। हाँ तब आपको बहुत जोर से वो हो गया था, आपको कुछ हो गया था, हाँ आपके मुंह के अंदर छाले हो गए थे, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से आपको वो इंजेक्शन लगे थे, ठीक है? ठीक है। दवाई खुली है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा कल का वीडियो जो कल से शुरू किया था, तो सोचा नहीं था इसकी एंडिंग ऐसी होगी, तो कोई बात नहीं, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। दर्द हो रहा हाँ अभी है। अभी सही हो जाएंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।